और आपको सीधे मुंबई लेकर चल रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गए हैं, और साथ ही आ गए श्रुति, हमारे दो सहयोगी लाइव हमारे साथ हैं जो और जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जया शाह से तीसरे दिन लगातार एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ की तैयारी है। जया शाह तीसरे दिन एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है, एक के बाद एक खुलासे जया शाह से पूछताछ में हो रहे हैं अरविंद ओझा, और क्या क्या नई जानकारियां आपके पास आ रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो टीवी कलाकार हैं अविगल और सनम, इनसे पूछताछ हो रही है। बड़ा खुलासा यह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम ने इनके घर पर रेड की थी, उसके बाद समन किया। दूसरा जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है रोहित, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, बॉलीवुड की जो फिल्म थी उड़ता पंजाब, उनके प्रोड्यूसर है मधु मंटीना वर्मा, वो उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। मैं आपको बता दूं कि उड़ता पंजाब जो फिल्म थी वो पंजाब में कैसे ड्रग्स फैल रहा है उसको लेकर थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मधु मंटीना वर्मा जो उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर है, वो खुद जया शाह से ड्रग्स को लेकर डिमांड कर रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। वो चैट है आज तक तो जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मधु मंटीना वर्मा 22 जून को जया शाह से वीड की डिमांड कर रहे थे, और जया शाह वो वीड सप्लाई करने के लिए उनको एश्योर कर रही थी। जया शाह भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच चुकी है। जया शाह वही है जिनका श्रद्धा कपूर के साथ चैट आया था, नम्रता शिरोडकर के साथ चैट आया था। दो दिन तक जया शाह से जो पूछताछ हुई है उन्होंने कबूल किया है कि बिल्कुल श्रद्धा कपूर को सीबीडी ऑयल उन्होंने पहुंचाया था, मधु मंटीना को भी सर्विस प्रोवाइड की थी। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। अब फिलहाल मधु मंटीना से सुबह 11 बजे से पूछताछ हो रही है, अब जया कुछ देर बाद पहुंची है। तो जया शाह और मधु मंटीना जो उड़ता पंजाब फिल्म के प्रोड्यूसर है जो ड्रग्स की डिमांड कर रहे थे, वो चैट दिखाकर अब दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब बॉलीवुड के बाद टीवी पर भी शिकंजा, टीवी के सितारों पर भी शिकंजा कसने लगा है। अविगल और सनम उनको बुलाया गया है मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, और वहां उनसे पूछताछ हो रही है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसके पहले जो ड्रग पेडलर केजे उर्फ कवलजीत करमजीत और संकेत नाम के जो ड्रग पेडलर थे उनसे गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो ये दोनों कपल का नाम आया जो टीवी के कई एक तरीके से कहें तो कार्यक्रम में वो दिख चुके हैं। तो फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ए लिस्टर का नाम भी बहुत जल्द सामने आएगा जिनको समन किया जाएगा। रोहित, कब तक समन करने की तैयारी है इन बड़े सितारों को? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज या कल में बहुत मुमकिन है कि आज दो बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं उनको शाम तक समन किया जाए। हालांकि हमें आधिकारिक जो एक तरीके से कहें आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि हम बहुत जल्द ए लिस्टर को, कम से कम दो जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम शुरुआत में चार नाम सामने आए थे उनमें से दो बॉलीवुड की एक्ट्रेस को आज समन जा सकता है। ये जो समन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम करेगी, जबकि मुंबई टीम ने जो टीवी के दो सितारे हैं उनको बुलाया, वहां पूछताछ कर रही है। लेकिन ए लिस्टर का भी नंबर जल्द आने वाला। देखिए, दीपिका पादुकोण को भी जल्द समन करती, लेकिन दीपिका पादुकोण का जो चैट था वो था करिश्मा के साथ। करिश्मा कौन है? क्वान कंपनी की मैनेजर है, जया शाह के अंडर में काम करती है। तो दीपिका पादुकोण को समन भेजने से पहले करिश्मा से पूछताछ करनी जरूरी है। करिश्मा को समन भेजा गया तो उन्होंने अपने वकील भेजे और कहा कि सी इज नॉट वेल, 25 सितंबर को वो ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन। अब तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किस तरह से रणनीति बनाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण गोवा में शूटिंग कर रही है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करिश्मा भी गोवा में ही है। तो फिलहाल अगर ए लिस्टर की बात की जाए तो 1 से 2 दिन के अंदर उनको समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भेज सकती है। रोहित, वापस आते हैं आपके पास अरविंद ओझा, रहिएगा हमारे साथ। श्रुति बड़जात्या के पास हम चल सकते हैं। श्रुति, लगातार आप टीवी कलाकारों के संपर्क में रहती हैं, ये दोनों कलाकार जिनको आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, इनका इतिहास क्या है?
सनम और अभिजीत की हम बात करें तो ये टीवी के काफी पॉपुलर कपल हो चुके हैं। नच बलिए सीजन 9 में दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था और 2017 में इसके की बात करें 2017 से लेकर अब तक दोनों साथ में ही है। ये दोनों काफी पॉपुलर है तो योगा ऑल्सो। सनम की बात करें तो सनम जौहर एक कोरियोग्राफर है और अभिजीत पांडे जो है वो 2008 से इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस। इनफैक्ट सुशांत के जाने के बाद अभिगेल पांडे ने एक फोटोग्राफ भी शेयर किया था सुशांत के साथ कहते हुए कि तुमने सोच मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया। सो अब जिस तरह से एनसीबी की शिकन जो है टेलीविजन की तरफ भी आ रही है और अभिगेल और सनम को भी उन्होंने समन भेजा था और एनसीबी ऑफिस दोनों पहुंचे हैं तो कह सकती है कि कई सारे लोगों के ऊपर शिकंजा होने वाला है और बहुत सारे लोगों के नाम अब सामने आएंगे। स्पेशली छोटे पर्दे की बात करें तो छोटे पर्दे में से पहली बार कोई अब एनसीबी ऑफिस पहुंचा है वो है सनम और अभिगेल। साथ ही सुशांत को टेलीविजन का हिस्सा काफी लंबे समय तक रह चुके हैं और उसके बाद इस तरह से टीवी के पर्दे खुलना अब ये बहुत सारी चीजें समझाता है कि ये जो नशे की चीज है ये जो ड्रग्स एंगल है ये कई सारे गेट्स कई सारे रास्ते खोलने वाला है। वापस आते हैं आपके पास श्रुति, आप रहिएगा हमारे साथ। टीवी तक तार पहुंचे ड्रग्स की जांच के पहले बॉलीवुड के सितारों के नाम आए आशुतोष मिश्रा। एनसीबी दफ्तर में लगातार जो पूछताछ चल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, पहले बॉलीवुड और अब छोटा पर्दा। क्या लगता है आशुतोष के सुनहरे पर्दे की जो दुनिया है, चकाचौंध वाली दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है, उसके पीछे काफी कुछ ऐसा स्याह है जो अब एनसीबी की जांच में एक एक करके बाहर आ रहा है? बिल्कुल, और जैसे जैसे परत खुल रही है उस चकाचौंध के पीछे का असली चेहरा भी दिख रहा है। यहां हलचल देखिए, लगातार एक के बाद एक हरकतें हो रही हैं। सुबह से अब तक पांच बड़े, जिसमें दो टेलीविजन के चेहरे, तीन जो है एक पीआर कंपनी टैलेंट कंपनी के लोग, यानी पांच पांच बड़ी शख्सियतों से पूछताछ भी हो रही है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पे, जहां जो बड़े अधिकारी हैं एनसीबी के, देखिए ये एनसीबी के बड़े अधिकारियों को भी हम अंदर जाते हुए देख सकते हैं। लगातार एक के बाद एक टीम पूछताछ कर रही थी, हमने कई बार वकीलों के भी हलचल यहां पर देखी है। तो जो यहां पर जो हलचल है, गतिविधियां दिन भर की इस खराब मौसम में तूफान के बीच भी वो लगातार तेज हैं। और जैसा कि अरविंद ओझा बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक कड़ियों को, एक एक चेहरों को जोड़ा जाता है, कौन पेडलर किससे मिला, किसने किसको ड्रग्स दिया, चैट में किसका नाम आया, हर एक कड़ी को जोड़ते हुए जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंची है। सम्मन जाहिर है, सम्मन देने के पहले अगर आपको याद हो रोहित, हम लगातार ये कहते रहे कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी में भी एनसीबी जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि जल्दबाजी में कानूनी केस कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए तथ्य मजबूत हो, एविडेंस साइंटिफिकली वेरीफाई हो और साथ ही एक बयान का आधार हो, ताकि उन बड़े चेहरों को जो अब तक गिरफ्त से, जांच से, आंच से दूर रहे, उनको यहां इस दफ्तर में बुलाया जा सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके।